हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कहते हैं भैया, आज क्या दिखाने का है? तो दोस्तों, आज क्या दिखाएं? आज तो सुबह सुबह उठे हैं और उठते ही भगवान को नमस्ते और प्रणाम करते हैं और इन देवी देवताओं को दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए चलते हैं। और आज हम चलेंगे अपने दुकान और दुकान में आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो कहीं नहीं दिखा होगा। भाई मेरे, इसे मत साइड होइए। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि भाई पहले हम आए हैं, चंदन टीका लगाएंगे और तब दुकान जाएंगे और चल करके आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दिखाएंगे। देखिए, बात यह है ना, हमें एम नहीं होता है कि भाई ये चीज़ दिखाना है और देखना है। देखिए, ये चंदन टीका पहले लगा लें, आप बताइए कि सही लग रहा है कि कैसे लग रहा है। पता नहीं, ये गलत हाथ से तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगा रहा हूँ। देखिए, या हाँ, ये नहीं निकलूगा, रुकिए। आज ना आज दशहरा का ना, क्या बोलते हैं, आज 8वां दिन है और मैं बाकी वीडियो नहीं बना सका। मैं सोच रहा था यार, बना दूँ कि ना बनाऊँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो वही चीज़ मैं सोच रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि रुको, बना ही डालता हूँ, देखते हैं। व्रत वैसे मैं कल रखूँगा, हमारे घर वाले जो हैं वो 8वां दिन हो चुका है उनके व्रत रखते हुए, तो कह रहे थे आखिरी वाला जो है ना आप कर लीजिएगा। तो क्योंकि मैं चक्कर है यार, काम वो भी करती है, मैं भी करता हूँ, पता नहीं मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता यार, क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ना यार, एक मिनट कर लेने दो, बताओ ये मोटा ज़्यादा हो गया ना। ओहो, चलो कोई बात नहीं यार, ये सब चीज़ों का उतना ध्यान नहीं देते हम भी, जैसा भी है ना अच्छा है। बस ये दाढ़ी पक गया है, कोई टेंशन नहीं है, हाड़ में जाए कुछ भी हो जाए, अपने को बस मस्त रहने का, समझे। तो कह रहे हैं कि चलो, तो दोस्तों आज हम दुकान चलेंगे और चल करके जो भी होगा जो भी होगा मजे लेंगे। देखिए, झूठ नहीं बोलने का, बस दिल से बोलने का। तो दोस्तों, तो कुछ तैयारी तो हो रही है अभी जाने की। अभी बच्चे हैं, वो अभी कपड़े पहन रहे हैं और ये बड़ी वाली अभी फ्रेश होकर के अभी आई है। और ये नौटंकी छाप जो है ना, ये वाली ये नौटंकी छाप है, ये भी तैयार हो गई है। और एक है वो क्या बोलते हैं, हमारे घर का रावण जो है वो अभी शायद तैयार नहीं, छोटा रावण किधर गया, तो वो तैयार अभी हो रहा है। कहाँ पे है भाई छोटा हमारा? उसको राम बोलेंगे तो वो फिर धनुष निकाल देगा, उससे अच्छा कि रावण ही बोलो इसको। तो भाई मेरे, ये देखो क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बोलो। मुंह जबान ही नहीं है ये, इसके जबान ही नहीं है आज, समझो कि ये गया काम से। ये इसकी फेवरेट है। और तुम्हारी तुम्हारी भी फेवरेट है। वैसे खा क्या रहे हो, हमें बताओ तो सही। आलू की सब्जी। स्कूल जाना है ना आज? आज स्कूल जाना है कि नहीं? हाँ जाना है, कल छुट्टी था। कल छुट्टी था तो खुशी था ना? ऐस की कल संडे था। कल संडे था, ओ सॉरी, मुझे याद ही नहीं थी कल संडे था। अच्छा, तो आज मंडे है, आज स्कूल जाना है ना? नौटंकी नहीं करना, नौटंकी नौटंकी नहीं करना है ना? तुमने गाड़ी पर गया था ना, कल संडे है। अच्छा, जा कल संडे है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, याद आया याद आया। आपने ये अपना ये हेयर कट नहीं बनाया अभी? हाँ, दांत दिखा दिए, कितने आया था? 32 है कि पूरे की तोड़ दिया? तो ये इसका एक भी नहीं टूटा है, इसका टूटेगा भी नहीं, ये बुढ़ा होगा तभी टूटेगा। ये बुढ़ा हो गया क्या? नहीं, नहीं बुढ़ा नहीं हुआ। तो खैर, खाना क्या बन रहा है? बालू के खाना क्या बन रहा है? आलू की भिंडी बनती है। और ये भी लाया भिंडी। अच्छा अच्छा, तो इनके साथ मस्ती कीजिए थोड़े, ये भी हैं लाडले सब, मस्ती में मस्ती बस्ती बसा देते हैं एक ही मिनट में। अभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, शुरू हो जाएगा सारा कहानी, सारा रामायण महाभारत उसी टाइम खत्म कर देंगे, शुरू भी कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है बच्चों की लाइफ, और ये असली लाइफ यही होती है कि भाई किसी भी फैमिली में लड़ो झगड़ो, लेकिन फिर वही हो जाओ, बच्चों जैसी सोच रखो। तो दोस्तों, बच्चे जैसे सोच रखोगे ना तो कभी भी पीछे नहीं रहोगे। सोच अगर किसी से लड़ाई होता है, सपोज कीजिए लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो क्या आदमी सोचता है? यही सोचता है ना कि हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। आपको दिखाया बच्चे, क्यों दिखाया हमने बच्चे? इसलिए दिखाया कि देखिए जिंदगी यही है, किसी से लड़ाई होती है, झगड़ा ही होती है, लाइफ टाइम के लिए दुश्मन थोड़ी होता है यार। जिंदगी एक बार मिली है, मजे लो, ऐश करो, बाढ़ में जाए दुनियादारी।
तो ये चीज एम सेट करके रखो, कभी पीछे नहीं हो गए भाई मेरे। जिसने मोबाइल पकड़ रखा है पढ़ता होगा, काम करता होगा, कहीं ना कहीं जॉब करता होगा, कुछ ना तो कुछ करते होंगे ना, दबे हो ना कहीं ना कहीं यार, किसी ना किसी। जैसे देखो, जिस तरह पत्थर के नीचे बीज छुपा होता है, पत्थर सोचता है कि मैं इसको निकलने नहीं दूंगा, अब बीज को कहता है कि मैं तो निकल गई रहूंगा, जो करना है कर ले। कभी देखे हो पत्थर के नीचे से बीज घूमते हुए, ऐसे ऐसे टर्न मारते हुए बाहर को आ जाता, कहता देख बेटा तूने बोला था ना कि नहीं आने दूंगा, आ गया मैं। तो ये चीज सेट रखो, दाबता है दाबने दो, जो होता है होने दो, जो करता है करने दो, मस्त रहो, व्यस्त मत रहो। व्यस्त कैसे रहते हैं, दिमाग में सारा गोबर घुसा रहता है, पढ़ने जाओ तो टेंशन, माँ कहेगी नंबर अच्छा नहीं लाया, अरे भैया कुछ नहीं, भाड़ में जाए, मस्त रहोगे सब कुछ सही हो जाएगा, स्वस्थ रहो। कहते हैं स्वस्थ ही मस्त का, कहते सॉरी यार, जब मस्त रहोगे तभी स्वस्थ रहोगे। तो मस्त रहने का, टेंशन ले लेने का, ना टेंशन किसी को देने का, किसी फिल्म का ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। तो ये चीज़ ना गांठ बांध के रख लेना दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, एक्साइटेड हम भी हैं कि क्या होने वाला है, क्या पल यार। देखो जिंदगी का ये पल है ना, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है यार, ये सच्चाई है यार, हम भगवान थोड़ी हैं कि हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये है, तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों खाना बन गया है, अब खाने के लिए तैयार हो गए हैं हम। गुड़िया खाना लेकर आओ, चलो। कितने बजे स्कूल जाना है? 10 बजे। 10 बजे जाना है। और तुम्हारे को पूजा कितने बजे स्कूल है? 10 बजे। मतलब टाइम आज चेंज हो गया है। कितने बजे जाना है? 10 बजे। कितने बजे जाना है? 10 बजे। अच्छा, और आपको? टीवी होने वाला है। बोलो इधर, हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? 10 बजे जाना है, 12 बजे आना है। जल्दी छुट्टी होगा? हाँ। अच्छा, तो अभी कितना टाइम हो रहा है देख लो, पहले कितना टाइम हो रहा है? 8:30 के आसपास हो रहा है। तो हमें दुकान जाना है, चलो खाना लेकर आओ। चलेगा? हाँ। खाना में क्या बना है? भिंडी और वो आलू। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों हम खाना अभी खाने वाले हैं। तो दोस्तों खाना जब तक आ रहा है तब तक आपसे बातें गुफ्तगू हो जाए थोड़ी, 2 मिनट के लिए। तो खाना क्या, जाओ पानी लेकर आओ। पानी? हाँ पानी लेकर आओ। देखिए बच्चे ही हमारे हेल्प करते हैं, यही पानी देते हैं, खाना देते हैं, वैसे हम भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों को ये सिखाते हैं। अब आप ही बताइए, हम आप सिखाते हैं कि भाई ये लेकर आओ ये लेकर आओ, तो ऐसे थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा काम कहना मानते हैं, बाद में बताए बड़े लोग क्या कहते हैं कि हमारा कहना ही नहीं मानता, माने कैसे? देखिए ये खाना लेकर आया, तो ये जो चीज़ है ना ये हेल्प नहीं, जबकि इनके साथ है, ये थोड़ा सिखाया जाता है कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, यहीं से एम सेट होता है इनके माइंड में। देखिए ये बाल नहीं बना है, एकदम भूत लग रहा है। वैसे इसका ना छठ पूजा आएगी, तो छठ पूजा में ना इनका ये रखे हुए हैं टिंडा कराने के लिए, टकला कराने के लिए। तो अभी तक ये इसीलिए लड़का है, लड़की नहीं मत समझिएगा, ये अभी लड़का है। तो ये बहुत शैतान है, इतना शैतान है कि समझो कि अब चलो बच्चे की लाइफ है, फ्री जिए करे, हम भी अपने लाइफ में किए होंगे, तो इनको बच्चों को देखकर अपना लाइफ याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम भी एक दिन ऐसे ही थे, बच्चे हम लोग ऐसे ही थे, हम भी भाई ऐसे ही होंगे, हमारे माँ बाप भी ऐसे ही पाले होंगे। तो ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए, जो भूल गया तो ये बच्चों का जो है ना, इन बच्चों को शक्ल देख करके याद करो कि आप कैसे थे। तो दोस्तों ये फन जो लाइफ है ना, बच्चे से हमें सीखे, भगवान हमारे पास बच्चे क्यों भेजता है सोचो जरा, ताकि हमें याद रहे कि बेटा तू धरती पे जा रहा है लेकिन भूलना मत, तू कल भी बच्चा था और देख मैं तेरे को एक बच्चा भेज रहा हूँ, इसे देख कर तेरे को याद रहे। जिस प्रकार मंदिर बनता है ना, मंदिर क्यों बनाते हैं? याद के लिए कि यहाँ पे भगवान रहता है, समझ आ रहा है कुछ? यहाँ भगवान रहता है, रहते हैं, जो भी है, याद के लिए बनाया जाता है। ठीक वैसे ही भगवान हमारे पास बच्चों को भेजता है कि देखो तुम बच्चे ही जैसा रहना,
कभी भी बाप बनने की कोशिश मत करना, और जिस दिन तुम बाप बन गए ना फिर तुम्हारा बाप फिर आ जाएगा, बहुत मारेगा पापा। हाँ, तो खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। हाँ देखो हमारी गुड़िया करी है, हंसते रहो। तो ये फीलिंग फैमिली में लाना चाहिए दोस्तों, फैमिली को खुश रखिए, और खुद खुश रखेंगे तो फैमिली को भी खुश रखेंगे। हंस के रहिए, बच्चों को भी हंसा के रखिए, सभी परिवार स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। कोई को टेंशन मत दीजिए यार, ये बताओ टेंशन देने से क्या फायदा, आप ही बताओ। अरे भाषण दे रहे हैं, अरे भाई भाषण तो देना ही है, ये जो चीज है ना वो चीज अंदर से आती है आदमी को, जब तक बयान कर यार दोस्त की इस बात का, जो भी है मन में बोलो, फैमिली से कहो। देखो देखो अगर कोई लड़का होगा अपने माँ पापा से कहो, पापा आज मुझे मेरे दिमाग में ना अजीब सा चल रहा है, बनाकर कुछ बात कहो, खुल के कहो पापा से अपने, पापा मेरे को अजीब सा हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को आज पढ़ने का नहीं जाने का, पापा समझाएंगे ना। आप जब खुल के बातें करोगे तभी तो आपके पापा आपको गाइड करेंगे, जब उसको छुपा लोगे नहीं माँ मुझे पीठ दर्द कर रहा है, ये नौटंकी नहीं चलेगा, जो कहना है खुल के कहो माँ बाप से, डरने का नहीं। हम कह रहे हैं डर, जो डर गया सो मर गया, मतलब समझे नहीं यार, डरना किस बात का, तुम्हारे दुश्मन है क्या माँ बाप, खुल के बोलो, कहो जो कहना है, जो भी कहो खुल के कहो माँ बाप से कहो। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, कोई काम करते हो, पत्थर टाइल का काम करते हो, या फिर ऑफिस में काम करते हो, कुछ भी करते हो, जो दिल में है वो खुल के कहो, छुपा के कुछ मत रखो। जिस दिन से छुपाना बंद कर दोगे ना, अपने आप खुशी जो है ना ऑटोमेटिक अपने घर में आ जाएगी, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज आपको सेट करना पड़ेगा माइंड में, फैमिली जो है ना हैप्पी रखना है, तो हैप्पी फैमिली बनाकर खुद हैप्पी होंगे तो दूसरों को। देखिए जब रोशनी, देखिए लाइट जलता है, जलता है खुद जलाता है तब जलता है ना, तभी रोशनी आती है ना, तो खुद रोशनी पैदा करोगे तभी तो जाकर के प्रकाश फैलेगा। तो आप घर के सदस्य हो, खुश रहो, बच्चों को खुश रखो, इसको थोड़ा स्माइल कर दो हल्का सा, ये तो ये जो चीज है ना मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ, मैं अब खाना का नहीं जा रहा हूँ, आज बना है क्या बोलते हैं ये चावल है और ये आलू है। तो ये चावल जैसे भगवान को दिया जाता है ना, हे भगवान हे प्रभु ये लीजिए, ये लीजिए आपके चरणों में समर्पित है। तो दोस्तों ये जो हमारे अन्न है ना, अन्न जो क्या बोलते हैं भोजन है, ये हमारे जीव है, यही आत्मा, ये भोजन में आत्मा है भाई, ये भोजन है ना इसी में आत्मा है, हमारी आत्मा इसमें बसती है, बर्बाद मत कीजिएगा, जितना खाना हो उतना ही खाइएगा। ये इनको भी नहीं पता लेकिन आपको ये चीज, तुम्हें पता है, तुम तो भगवान हो, तुमको तो सब पता होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आत्मा हमारी है, इसी में हमारी आत्मा बसती है। आपके उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ भाषण दे रहा है ना, ये जो इसमें ना हमारी आत्मा बसती है। आप कह रहे हो क्या बोल रहे हो, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, एक काम करो अनाज को बायकॉट कर दो, मत खाओ, जिंदा रह के दिखा दो थोड़ा, देखता हूँ कितने दिन तक जी सकते हो। अरे भाई इसी की वजह से तुम जी रहे हो, और इसमें जो है ना इसमें आत्मा बसती है, और इसीलिए ये चीज है ना इसको प्रणाम करके ही खाना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आप जी रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, इतना हंस रहे हो, बोल रहे हो, दुश्मनी भी पैदा कर रहे हो, किसी को बुरा भला भी कह रहे हो, इसकी वजह से। तो दोस्तों ये जो है ना ये हमारी आत्मा है, और आत्मा को गले से लगाना चाहिए। जैसे मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ तो कह रहे हैं कि जय हो गुरुदेव, जय हो, मैं जो भी है जिस देवी देवता को मानते हो, या अल्लाह हो या फिर आप ईसाई हो तो आप यीशु मसीह को, मतलब कोई भी हो, भगवान एक ही होता है यार, उसके बाद टॉपिक अलग बनाएंगे, लेकिन ये जो चीज अन्य है ना ये हमारी आत्मा है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, ना फेंकना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। हम भी बहुत गलती किए हैं, हम भी बहुत छोड़े हैं, हमें भी धीरे धीरे पता चला है। तो दोस्तों कोई सीख के पैदा नहीं होता है धरती पे,
सबको यहीं पे मिलता है सीखने को, जैसे पढ़ते हैं ना वैसे भी ये भी पढ़ाई है समझो, छोटी छोटी बातें हैं ना इंसान भूल जाता है। तो दोस्तों अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो कभी भी ना इस नमस्कार करके खाना खाना चाहिए, बड़े किस्मत से मिलता है भाई साहब। एक एक चावल उगाने में कितना खर्चा होता है आपको पता है, कितना मेहनत लगता है। अगर एक चावल धरती पे गिर जाए तो भगवान उसे भी सफाई करने के सफाई कर्मी बना रखा हुआ है, ये इतने चीटी वगैरह घूमती हैं, ये सफाई कर्मी हैं। सोचिए आपके आपके लिए भगवान ने, आपके पिता ने, आपके परमेश्वर ने, आपके खुदा ने, आपके अल्लाह ने, आपके भगवान ने आपके लिए क्या क्या नहीं भेजा है। तो इस तरह खाना भी खाएं तो थोड़ा इज्जत दें इसको और प्यार से खाएं, ऐसे नहीं, प्यार से खाएं, बहुत किस्मत से मिलता है। एक दिन नहीं मिलेगा ना समझ आ जाएगी आपको, हम भी बहुत झेले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हम ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते हैं और इसी वीडियो के साथ में हम थोड़ा खाना खा लें, तो फिर हम अगला वीडियो में आपको मिलेंगे और कुछ उपदेश भी देंगे और कुछ दिखाएंगे भी। ये फैमिली ब्लॉगर है, मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, आई होप आपको कुछ बुरा भला लगा होगा तो सॉरी, दिल से किसी को ठेस पहुंचा होगा बात को हमारी तो भी सॉरी। दोस्तों को फिर कल मिलते हैं, दिल से दिल तक बातें होंगी और फैमिली की साथ एक दूसरे के साथ जो भी होगा हम आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बाय।